और अब बात हरियाणा की, जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से 5 सीट छीन ली। कांग्रेस का सबसे ज्यादा वोट शेयर भी यहीं बढ़ा, लेकिन पार्टी में सबसे ज्यादा कलह भी यहीं बढ़ती दिखाई दे रही है। पार्टी की बड़ी नेता किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज बता रहे हैं। बीजेपी में शामिल वो हो चुकी हैं और कांग्रेस की बड़ी नेता कुमारी सैलजा उनके पक्ष में बयान दे रही हैं। सवाल यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये कलह कांग्रेस की उम्मीदवारों पर क्या असर डालने वाली है। दशकों से हरियाणा में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने वाली किरण चौधरी सपरिवार बीजेपी में शामिल हुई तो कांग्रेस के भीतर का अंदरूनी क्लेश एक बार फिर सत्ता पर आ गया। इस्तीफे वाली चिट्ठी में किरण चौधरी ने जो दर्द बयां किया था वो जुबान पर उतर आया। पिछले सालों से मैं देखती आ रही थी कि जो रास्ता था जो हरियाणा के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी खो चुकी, कि आज के दिन जो है वो उन्होंने सारा सिस्टम कैप्चर कर लिया है और वो सिस्टम के अंदर वो अपने को और अपने बेटे के अलावा तीसरे आदमी को नहीं देख सकते। हरियाणा में हुड्डा और उनके बेटे, बस जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर। लंबे समय से हरियाणा कांग्रेस अंदरूनी विवादों में उलझी हुई है। छोटे से राज्य में कांग्रेस के कई गुट हैं, जिसमें एक गुट किरण चौधरी का भी था। इसके अलावा कई और भी गुट चर्चा में रहते हैं, जिनकी भूपेंद्र हुड्डा से तनातनी रहती है और यही नेता अब किरण चौधरी के साथ अन्याय की बात कह रहे हैं। दुख तो है और इसका पार्टी को थोड़ा नुकसान तो होगा ही। देखो, कोई तो कारण है, उनकी बेटी की टिकट भी कटी जबकि वो जीतने वाली कैंडिडेट थी, और मैं कह सकती हूँ दावे से कि अगर उनको मिलता, टिकट मिलता, तो वो जरूर प्रचंड बहुमत से जीतते, लेकिन उनके साथ ज्यादती तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। किरण चौधरी कांग्रेस से अलग हुई तो लोकसभा चुनाव में मात खाने वाली बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस पर आक्रामक नजर आने लगी। मुद्दा परिवारवाद को बनाया और निशाने पर भूपेंद्र हुड्डा का परिवार दिखा। कांग्रेस की वो वरिष्ठ नेता रही हैं, परिवारवाद के कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से पूरी की पूरी कांग्रेस राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है और बड़े नेताओं का कहीं ना कहीं अहित हो रहा था, उनका दम घुट रहा था, अभी कांग्रेस के और भी कई बड़े नेता उनका दम घुट रहा है, वो भी सोच रहे हैं कि हम कैसे यहाँ से निकलने का काम। हरियाणा की सियासत में किरण चौधरी कितना बड़ा नाम है, इसे इस बात से समझिए कि उनकी ज्वाइनिंग के वक्त हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर दोनों मंच पर मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस इसे दुर्भाग्यपूर्ण जरूर बता रही, लेकिन किरण चौधरी के जाने से कोई नुकसान होगा ये बात पार्टी को सही नहीं लगती। पार्टी छोड़ने का जो निश्चय किया है उनके कुछ की निजी वजह होगी, उसका खुद का सोच हो सकता है, मैं उसके पर कोई नुक्ताचीनी नहीं कर सकता हूं, मगर मैं जरूर से मानता हूं कि उनका ये पार्टी छोड़ने का डिसीजन जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको ये नहीं करना चाहिए था। इस तरह से कांग्रेस में रह कर के जो कांग्रेस के साथ विश्वासघात करने में लगी हुई थी, आज वो कहती है कि कांग्रेस में भविष्य, अगर जो बेटी को टिकट मिल जाता तो भविष्य कांग्रेस का सुरक्षित है, बेटी को टिकट नहीं मिला इसलिए हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में कांग्रेस छोड़ने वाली किरण चौधरी पहली नेता हैं। अशोक तंवर रहे हों या फिर नवीन जिंदल, पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस से कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।